कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किस तरह डिफाइन करेंगे किस तरह पता चलेगा ग्राफ पे कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है पहली चीज जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में जो भी बोन कंडक्शन का ग्राफ होगा वो हमेशा ट्वेंटी डेसिबल से नीचे होगा ठीक है और एयर कंडक्शन का हमेशा ट्वेंटी डेसिबल से ऊपर ऊपर से मुराद है 30, 40, 50 के तक ये एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट जो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के दरमियान गैप है ये 15 डेसिबल से ज्यादा होगा इट इज मोर देन 15 डेसिबल फिफ्टीन डेसीबल किस का किसी एक फ्रीक्वेंसी का नहीं लेना जब भी हमने लेना है तो स्पीच फ्रीक्वेंसीज का मीन लेना है द स्पीच फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली थ्री फ्रीक्वेंसीज विच इज 500 1000 वन थाउजेंड एंड टू थाउजेंड सो ऑलवेज वी टेक अ मीन ऑफ दीज थ्री फ्रिक्वेंसीज ऑफ बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन और उसमें जब गैप 15 डेसिबल से ज्यादा होगा तो देन इट इज एबल एज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दिस इज एन अदर ग्राफ दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस एज द गैप बिटवीन द बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन इज मोर देन फिफ्टीन डेसिबल सेकेंडली द बोन कंडक्शन इज अबव द लेवल 20 से कम लेवल पे है जो बोन कंडक्शन का ग्राफ है तो वो नॉर्मल में है बोन कंडक्शन इज इन नॉर्मल लेवल वेयर एज एयर कंडक्शन इज एट एबनॉर्मल लेवल जैसे मैंने पहले बताया कि 20 से ऊपर जिस तरह जांचे जाएंगे 30, 40, 50 पे तो वो एबनॉर्मल होगा 20 तक कोई भी ग्राफ आएगा वो नॉर्मल होगा तो बोन कंडक्शन के ग्राफ की लाइन तो ट्वेंटी तक आई हुई है वेयर एज एयर कंडक्शन इज बिलो लेकिन इसमें एक खास पॉइंट है इफ यू नोटिस देयर इज डिप द बोन कंडक्शन एट टू थाउजेंड हर्ट दिस इज नोन एज कार हार्ट स्नोच विच इज द फीचर ऑफ ऑटोस्लोसिस तो जब यह ग्राफ पड़ा होगा तो इसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑटोस्किलरोसिस ही है ठीक है इसके बाद सेंसिन्यूरल पे आ जाए सेंसिन्यूर क्या होगा कि ग्राफ दोनों ग्राफ्स ट्वेंटी से नीचे आएंगे ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों के दरमियान जो गैप है वो 15 डेसिबल से कम होगा तो इसमें आप जैसे देख लेंगे इकट्ठा भी आ सकता है आसपास भी आ सकता है तो ये एक स्लोपिंग टाइप का ग्राफ है जो कुछ कॉजेज हैं सेंसी न्यूरल हेरिंग लॉस के वो हम देख लेते हैं ठीक है जैसा कि ये है इसमें अगर आप देखेंगे शुरू में तो ठीक है लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे जाके ट्वेंटी से नीचे फॉल इन कर रहा है गैप भी 15 डेसिबल से कम है लेकिन फिर इसमें एक स्पेशल फीचर है वो क्या स्पेशल फीचर है कि देयर इज अ डिप एट 4000 थाउजेंड हर्ड्स और उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है अगर प्रेस पैकिस प्योरली होता तो ये नीचे आता है ये ऊपर ना जाता तो ये जो फीचर है जो डिप आता है दैट इज इन नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस अब जैसे ये है स्लोपिंग है लेकिन नीचे की तरफ ही जा रहा है सो so, this is by or acoustic neuroma अब मीनियज में थोड़ा सा डिफरेंस है वाहिद लॉस की डिजीज है जिसमें ये स्टार्ट ही लोअर फ्रीक्वेंसीज से होता है बाकी आपने देखा था स्लोपिंग टाइप आ रही थी जिसमें हायर फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व थे मीनियज में सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज स्टार्ट में इन्वॉल्व होती है बाद में वो हायर फ्रीक्वेंसीज को इन्वॉल्व करता है तो इसमें तीन टाइप के ग्राफ्स बन सकते हैं हो सकता है अपराइजिंग टाइप हो हो सकता है फ्लैट हो और हो सकता है स्लोपिंग हो ठीक है लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसीज इन्वॉल्व होंगी जो दूसरे हमने किए थे प्रेस हो गया या नॉइज इंड्यूज हो गया तो उसमें लोअर फ्रिक्वेंसीज शुरू में इन्वॉल्व नहीं होंगी लेटर ऑन जाके जब बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा तब इन्वॉल्व होंगी एक और टाइप का हेयरिंग लॉस होता है हमारे पास विच इज नोन एज मिक्सड मिक्स में क्या होगा बोथ फीचर्स ऑफ सेंसिन्यूरल एंड कंडक्टिव डेफनेस इज देयर तो क्या मतलब दोनों टाइप्स की डेफनेस होगी तो इसका मतलब दोनों ग्राफ्स जो होंगे वो 20 डेसिबल से नीचे अबब अब लेवल पे फॉल करेंगे ठीक है 30, 40, 50, 60 उस पर आएंगे सो so बिलो 20 नहीं है तो नॉर्मल नहीं है दोनों एब नॉर्मल है तो ये तो हो गया जब भी बोन कंडक्शन का ग्राफ 20 से नीचे आएगा तो इसका मतलब ये सेंसिन्यूरल नर्व इम्पॉर्टेंट सेंसीन्यूरल एलिमेंट है अब गैप दोनों का अगर हम देखें इन तीन फ्रिक्वेंसीज पे तो इट इज़ मोर देन 15 डेसिबल तो इसका मतलब इसमें कंडक्टिव का एलिमेंट भी आ गया कि गैप भी ज्यादा है सो दिस इज नोन एज मिक्स हेयरिंग लॉस ये प्रेजेंट होता है प्रोलॉन्ग केसेस ऑफ ऑटोसिलोसिस या क्रॉनिक सपरेटिव मीडिया में